सो जॉन एंड अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी लोगों को पसंद आया। हमने ट्रेलर लॉन्च फिल्म में आया था, काफ़ी आपका जो रोल है लगता है जितने भी आप रोल निभाए हैं आपने एक्शंस को या पर्सनली तो आप बहुत पसंद करते हैं आर्मी के कैरेक्टर सोल्जर के, ये जो रोल है काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है आपके लिए? जी इनफैक्ट स्टोरी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है और इसमें मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं एक जूनियर ब्यूरोक्रेट हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म, क्योंकि जे एंटरटेनमेंट जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है ज़्यादातर हम लोग नॉन फॉर्मूला फिल्म प्रोड्यूस कर। फिल्म बनानी चाहिए एक रियल स्टोरी ऑन बेस और परमाणु की बात करें हम तो, कब ये आप ख्याल आया? आई थिंक 3-4 साल पहले आया था। मुझे हमेशा से ये मुझे गर्व तो था ही क्योंकि मैं 1998 में मेरे सामने हुआ था ये, तब मैं मात्र 20 वर्ष का था। लेकिन 3-4 साल पहले कोई एक आर्टिकल था जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ था दिमाग में कि इस पर फिल्म क्यों नहीं बनी है, क्योंकि आई थिंक आर्टिकल इस बारे में था कि कैसे इंडिया ने अमेरिकन सेटेलाइट्स को चकमा दिया था और बहुत पावरफुल सेटेलाइट्स थे जो 24 घंटे पोखरण पे नज़र रखती थी, निगरानी रखती थी। तो अपने आप में वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। द फर्स्ट थिंग वॉज कि एक थ्रिलर था ये, और उसके अलावा क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में आई थिंक एक बहुत बड़ी घटना रही है ये और बहुत प्राउड मोमेंट रहा है, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए। एंड जैसा जॉन ने बोला कि यू नो, मैं इनके पास आया और मैंने इनको पिच किया ये स्टोरी, मेरे पास सिर्फ 10 पेज थे तब, मैंने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा नहीं था, उनको बहुत पसंद आया एंड देन इमीडिएटली वी स्टार्टेड। जॉन जैसे ये रियल कहानी है और बहुत सीरियस भी है, काफ़ी सेंटीमेंट्स और पॉइंट्स को ध्यान में रख के शूट किया गया, और क्या क्या ध्यान रखा आपने? एज वी नो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उस टाइम, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम भी थे, तो क्या क्या आपने ख्याल रखा? पहले तो फ्लाइट्स को हमने कैसे चकमा दिया और जॉन के कैरेक्टर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, उसके अराउंड फिर बाकी चीज़ों को पिरोया गया। बट हाँ, बोलने में आसान लगता है, करने में मुश्किल था, पर टीम का सहयोग था, जॉन का सहयोग था, तो हम ये कर पाए। जॉन, हम ये भी सुना हमने कि आपने काफ़ी बहुत ख्याल रखा अपने यूनिफॉर्म को पहनने का और स्टाइल चलने का, और मुस्टैग भी आपने बहुत ऑन लोकेशन पे भी नाम बताया था अपने, अश्वथ रैना जी, जी उन्होंने आपको ट्रेन किया है। हाँ नहीं, कल उस वक्त पे वो थे एंड ही वाज आल्सो अ कंसल्टेंट ऑन आवर फिल्म, तो मतलब बेरे पहनते समय, कैप पहनते समय ऐसे पहन, तो ही डिडंट केयर, ही डिडंट केयर, ही वाज लाइक टू द पॉइंट। तो वो मुझे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि एटलीस्ट आपको सेफ लगता है कि ये आदमी को सब कुछ पता है, मतलब आर्मी के बारे में। फेल गुड अबाउट इट। एक कैरेक्टर, वो ये जो कैरेक्टर हैं इनको काफी पसंद किया उन्होंने। हाँ, विकास को मेजर प्रेम का कैरेक्टर निभाया उन्होंने, उनको कहीं ना कहीं क्योंकि एक यंग मेजर थे एंड उस समय आई थिंक कर्नल शर्मा भी मेजर ही थे, तो उन्होंने अपने आप को कहीं देखा इस कैरेक्टर में, और यू नो विकास ने बहुत अच्छा निभाया इस कैरेक्टर। और हम लोग एक शॉट में तीनों चल रहे थे, तो वो हमने कहा कि सारे सल्यूट करेंगे, नहीं नहीं तुम लोग मत करो, तुम करो मेजर प्रेम, तुम करो बस, तो मतलब ही वाज अ इंपॉर्टेंट गाय, सो इट्स जस्ट गुड। पिक्चर की बात करें तो पिक्चर जितने भी हमने देखी अभी पिक्चर आई है सोल्जर्स और इस तरह की पिक्चर को लेके, ये किसी पाकिस्तान एंटी पिक्चर, एंटी पाकिस्तान फिल्म, ये कोई एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी अमेरिका फिल्म नहीं है, लेकिन ये प्रो इंडिया फिल्म है, क्योंकि ये उस वक्त पे ये कहना बहुत जरूरी, हमने जितना भी रिसर्च किया उसको हमने इंटैक्ट रखा, तो दिस फिल्म इज़ अबाउट 80-85% फैक्चुअल। इसमें जो फिक्शनल चीज़ है वो मेरा कैरेक्टर है जो फिक्शनल है, मेरे अलावा कलम साहब का नाम या चिदंबरम जो उस वक्त पे साइंटिस्ट थे, काकोडकर साहब, जितने सारे लोग थे इन्वॉल्व इस मिशन में, उनका नाम हमने चेंज किया बिकॉज यू गेट इनटू अ बायोपिक इश्यू, राइट्स इश्यू, तो नाम चेंज किए। But the film is dedicated to Kalam Saab, and we are very proud to say that it is dedicated to him, and of course Vajpayee ji, who actually planned the both of them, who planned this together. So I think it's a very, it was, मुझे लगता है कि independence के बाद अगर एक defining event था इंडिया में,
इट इज द पोखरण टेस्ट दैट हैपेंड इन 98 और इनफैक्ट खितौली गांव में आई डोंट नो वेयर योगी हमारे लाइन प्रोड्यूसर गए थे वहां पे किसी ने एक आदमी से वहां पूछा कि टेस्ट के टाइम पे तो ये आप इससे कहा मेरे दीवार टूट गए सो योगी ने कहा दीवार टूट गया रेडिएशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ व्हाटएवर एंड इज योगी टोल्ड मी दिस एंड ही सेइंग ये फिल्म में होना चाहिए एंड ही सेइंग दीवार टूट गया लेकिन इंडिया तो बन गया ना सो जस्ट इमेजिन द सेंस ऑफ प्राइड तो आई थिंक दिस प्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए हमने ये फिल्म बनाई कि हर यंगस्टर जैसे आपके जो कैमरामैन है आपके पीछे शायद उनको भी पता नहीं कि 20 साल पहले ऐसे टेस्ट हुए थे और कैसे हुए थे लेकिन जब भी वो फिल्म देखेगा ही विल फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग एंग्रॉसिंग ही विल से यार ये तो थ्रिलिंग फिल्म है एंड में उसे पता चलेगा कि यार दिस इज आल्सो ट्रू स्टोरी सो आई थिंक द वे जैसे हमेशा मैं कहता हूँ ये स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अभिषेक ने जिस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया है आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक जॉब डन बहुत मुश्किल काम है एंड आई थिंक ओनली अ डायरेक्टर कैन डू दैट एक्टर तो घोड़ा है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है डायरेक्टर जॉकी है एंड आई थिंक ही इज टेकन अस ऑल इन द राइट डायरेक्शन कहानी की बात की जाए तो बहुत मतलब जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है लोगों को काफ़ी पसंद आएगी अभी तक बॉलीवुड के किसी और किसी ने क्यों नहीं सोचा ये और आपने ही मतलब आपने तो सोचा ये पहले किसी ने की क्योंकि जितनी भी रियल स्टोरी बनी है कोई बायोपिक बन रही है ये जो स्टोरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया को जानने के लिए उसकी स्टोरी को जानने के लिए नहीं मुझे लगता है ये डेफिनेटली जॉन ने बोला हमारे दिमाग में भी आया था कि भाई इस पर बनी क्यों नहीं पिक्चर 20 साल से मेरे को लगता है उसका एक अहम कारण ये रहा है कि जैसे मैंने बोला बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं इस एक कहानी के अंदर बहुत कहानियाँ हैं एक तो ये कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आपने उन बमों का निर्माण किया बिना किसी बाहरी मदद के कॉन्ट्रोवर्सीज थे और हमारे पास हमें बहुत कम टाइम मिला है प्रमोशन के लिए वी विल शो एज मेनी पीपल एज पॉसिबल Yeah, we are very thankful to the Honorable High Court of Mumbai for actually, and Judge Kathawala for, you know, giving a decision in our favor. So we believe in the judiciary system. Lastly, जाते हैं अपने viewers को picture के release date के बारे में. जी, परमानु May 25th को release हो रही है. We are very excited about this film. ये एक बहुत ही अलग कहानी है. एंटरटेनिंग है दो घंटे की फिल्म है इट्स फैंटास्टिक एंड एवरीबॉडी इज गोना लव इट सो प्लीज गो वॉच इट थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू केयरफुल केयरफुल